हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 20 ट्यूटोरियल है एडोब फोटोशॉप 2017 का, जिसमें हमको बताएंगे कैसे आप अपनी इमेज में कहते हैं कस्टम ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर सकते हैं और कैसे एक इमेज में डायनेमिक एडजस्टमेंट लेयर को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो इमेज हैं। एक ये इमेज है जिसमें हम ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करेंगे और दूसरा डायनेमिक एडजस्टमेंट लेयर, इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, दोनों इमेजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इसको थोड़ा सा ब्राइट करेंगे, इसकी कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर इमेजेस में, एडजस्टमेंट में जाइए और ब्राइट और कॉन्टेक्स्ट में जाइए। देखिए, जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये आपकी इमेज के साथ ही अप्लाई हो जाएगा, बैकग्राउंड के साथ। ये एक खुद की अपनी नई लेयर नहीं बनाएगा जिसे आप बाद में चेंज कर सकें, ऐसा नहीं होगा। अब आपने एक बार अप्लाई कर दिया अपनी इमेज में तो वो परमानेंट हो जाएगा। अगर आपने उसे सेव कर लिया तो फिर वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें लेयर बनेंगी, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, हमने ब्राइटनेस कॉन्टेक्स्ट से कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप ब्राइटनेस की तरफ यहाँ पर ले जाएं तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट और राइट की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरह से मैं लेफ्ट राइट की तरफ ले जा रहा हूँ तो इंक्रीज़ हो रहा है, और लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ तो डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरह से आपका कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसी है। आप राइट की तरफ ले जाएंगे क्लिक करके तो इंक्रीज़ होगा, और लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो आपका डिक्रीज़ होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं, कहते हैं जो आपका फोटोशॉप होगा वो ऑटोमेटिकली इमेज के हिसाब से ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लेगा। तो इस केस में ऑटो दबाता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि हमारा फोटोशॉप में किस तरह का आउटपुट देता है। अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, इससे मैं चेंज करना चाहूँगा थोड़ा। तो हम कैसे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका नंबर लिखा हुआ है, इस अगर आप अप एरो की दबाएंगे अपने कीबोर्ड में तो ये 1x1 इंक्रीज़ होगा। अगर आप शिफ्ट के साथ अप एरो की दबाएंगे तो 10x10 इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। डाउन एरो की दबाएंगे तो 10x10 डिक्रीज़ होगा, जैसे हमारे केस में हो रहा है। अभी देखिए 30 था, इंक्रीज़ करता हूँ 40, शिफ्ट के साथ अप एरो की, शिफ्ट के साथ अप एरो की तो 50, 60, इस तरीके से बढ़ा है। और अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं इसे लेफ्ट या राइट, तो देखिए ये 10x10 इस तरह से इंक्रीज़ होगा। इस तरह से आप ब्राइटनेस पे भी अप एरो की दबाएंगे तो 42, 43 इस तरह से होगा। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो 10x10 इंक्रीज़ होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट अपना। और अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करेंगे राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, तो 10x10 इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो देखिए, इसमें मैं अपनी वैल्यू डालता हूँ जो मैं सोचता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे 100% कॉन्ट्रास्ट कर दिया, और इसकी ब्राइटनेस वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर 34% पे, 34 कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसे कर दिया 34, 35, ये कर लिया। इस तरह का आउटपुट मुझे पसंद आ रहा है। आप अपनी इमेज में जिस तरह से आपको आउटपुट पसंद आए उस तरह से आप आउटपुट को चूज़ कर सकते हैं। तो ये आउटपुट मुझे पसंद आया, इसमें मैं ओके कर सकता हूँ यहाँ पर। और देखिए, जो यूज़ लेगेसी है इसे मैं बाद में बताऊँगा आने वाले ट्यूटोरियल में, जब इसका यूज़ किया जाएगा तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा इसके इसे कब क्लिक करते हैं। इस केस में हम इसे क्लिक नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये हमें पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर से लेफ्ट और राइट मूव करके ओके पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें एक आउटपुट मिलेगा। और अगर मैं देखूँ कंट्रोल जी दबाता हूँ तो पहले हमारा ये था आउटपुट, और फिर हमने जब अप्लाई किया तो इस तरीके से हमारा एक आउटपुट आ गया। इसे आप सेव कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव एज या सेव करेंगे जो पहले की जो इमेज थी आपकी, इसे हमारे केस में ब्राइट कॉन्टेस्ट माई इमेज का नाम है, इसी में ये सेव हो जाएगा, तो परमानेंट हो जाएगा आपका सेव। तो आप क्या करना चाहिए, आपको सेव एज करना चाहिए। सेव एज में क्या होगा, एक और कॉपी बन जाएगी इसकी, और आप उसे सेव कर पाएंगे जेपीईजी में इस तरीके से। यहाँ पर इसे कर पाएंगे सेव, और यहाँ पर से आप इसे सेव कर लीजिए इस तरीके से, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर इसे अपना नया नेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ नया नेम दे देता हूँ, एक 1-2 मैंने इसे नेम दे दिया, सेव कर लेता हूँ इसे। और इसमें देख क्वालिटी देखिए मैक्सिमम होनी चाहिए, 12 हमारा मैक्सिमम, और बेसलाइन स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं आप स्टैंडर्ड क्लिक करके, या ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड करते हैं और ओके भी क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे डायनेमिक एडजस्टमेंट लेयर की। डायनेमिक एडजस्टमेंट लेयर में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायनेमिक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे। तो डायनेमिक एडजस्टमेंट लेयर क्या करता है, एक नई लेयर बना देता है। देखिए, हम इसमें जब ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर रहे थे तो इसमें नई लेयर नहीं बन रही थी हमारी, और डायनेमिक एडजस्टमेंट लेयर में क्या होगा, हमारी एक नई लेयर बन जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। ये क्या करेगा, आपकी एक नई लेयर बना देगा इसकी, इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप विंडोज़ में जाके विंडोज़ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको दिखा होगा एडजस्टमेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका यहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट आएगा। यहाँ पर देखिए जो सन का बना हुआ है, सन का साइन, ये आपका ब्राइट एंड कॉन्ट्रेस्ट का है, नेम भी लिखा हुआ रहेगा। जब आप इस पर क्लिक यहाँ पर लेके आएंगे अपने कर्सर को, तो यहाँ पर देखिए ब्राइट एंड कॉन्ट्रेस्ट दिखा रहा है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद हमें ये प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा ब्राइट एंड कॉन्ट्रेस्ट की। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं अगर आप चाहते तो। ऑटो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा फोटोशॉप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के लिए, और फिर हम इसमें अपनी खुद की एक नई वैल्यू डालेंगे। इसमें भी आप अप एरो की दबा के चेंज कर सकते हैं वन बाय वन, या फिर शिफ्ट के साथ अप एरो दबाएंगे तो 10 बाय 10 इंक्रीज़ होगा। इसमें हम अपनी खुद की वैल्यू देते हैं, तो इसमें देखिए मैं इसे -60 वैल्यू देता हूँ। -60 वैल्यू मैंने दी इसे ब्राइटनेस को, और कॉन्ट्रास्ट में मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 70। इस तरीके से मैंने इसे वैल्यू दी, ये मुझे सही लग रहा है, प्रेफर मैं इसे कर रहा हूँ। आप इसे सेव कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे तो यहाँ पर देखिए कि दो इंडिपेंडेंट लेयर बन जाएगी। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, देखिए आप फ़र्क देख रहे होंगे दोनों इमेजेस में, ऑन या ऑफ करके। और इसे सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, और यहाँ पर जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव एस का दिखाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एस, ऑटोमेटिकली सेव एस, ये आपकी नई लेयर बना देगा। तो आप इसे फोटोशॉप में सेव कर ले सकते हैं, क्योंकि हमारी इसमें लेयर सप्लाई है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसे फोटोशॉप में सेव कर लेता हूँ इस तरीके से। और मैक्सिमम कैपेबिलिटी ओके भी कर सकते हैं आप, इसे कैंसिल भी कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।